तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपको राशन कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपके लिए सलूशन लेकर आया हूं। आप चुटकियों में अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपको पता होगा कि सरकार ने अब राशन कार्ड डाउनलोड करने का जो पुराना मेथड था उसे बंद कर दिया है। अब नए तरीके से आप राशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और अपने सारे मेंबर देख पाएंगे कि आपके राशन कार्ड में कितने मेंबर जुड़े हुए हैं। और इसके बाद आप अपने सरकारी दुकान या कोटेदार से जो गल्ला मिलता है, जो अनाज मिलता है, उसे ले सकते हैं। तो आज हम इसी यही सीखेंगे कैसे आप घर बैठे अपने राशन कार्ड की पर्ची जो हुआ करती थी पहले, उसे प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल आप हमारी वीडियो पर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो, पूरा डिटेल के लिए मैं ले चलूंगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यही काम आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन पर आपको आ जाना है और यहाँ पर लिख देना राशन कार्ड डाउनलोड, और इसके बाद झागड़े न्यूज आपको जरूर लिखना है। दोस्तों ध्यान रहे, तभी आपको लिंक मिल पाएगा। इस पर लिखते ही आपके सामने ऐसे लिंक आ जाएंगे। तो आपको देखिए, सेकेंड नंबर वाला लिंक राशन कार्ड डाउनलोड यूपी। आप किसी भी प्रदेश से में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, सभी का डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक आर्टिकल खुलकर आएगा। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट राशन कार्ड डाउनलोड यूपी ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा या nfsa.gov.in का एक लिंक देखने को मिलेगा। इसी वेबसाइट पर आपको पहुंचना है, या डायरेक्ट भी आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने nfsa.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब आप इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऐसा पूरा इंटरफेस दिखने वाला है। यहाँ पर आपको एक सिटीजन कॉर्नर का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर आपको अपने कर्सर ले जाना है। अगर आप मोबाइल फोन पर होंगे तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ड्रॉप डाउन मीनू खुलेगा। आपको तीसरे नंबर पर दिख रहा है नो योर राशन कार्ड स्टेटस का ऑप्शन, यहाँ दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर सर्च टाइप में आपको राशन कार्ड नंबर ही सिलेक्ट रहने देना है। अब आपको यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर डालना है, जो भी राशन कार्ड हुआ करता था वो नंबर, और इसके बाद ये कैप्चा ये दिख रहा है इमेज, अगर आपको सही नहीं दिख रही है तो यहाँ से रिफ्रेश कर भी सकते हैं, और यहाँ डाल करके गेट राशन कार्ड डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने पूरा देखिए डिटेल आ जाएगा, राशन कार्ड डिटेल, आपका राशन कार्ड नंबर मेंशन होगा, और यहाँ पर आपका अलाउड फॉर ONORC ऑप्शन आएगा, हेड ऑफ फैमिली का नेम और एड्रेस दिखेगा। मैंने चीजें हाइड कर रखी हैं सिक्योरिटी पर्पज से। इसके बाद आपको फैमिली मेंबर का भी नीचे ऑप्शन दिखेगा, आपके राशन कार्ड में कितने लोग ऐड हैं, सभी के नाम और सभी की फैमिली आईडी भी यहाँ पर आपको दिखने वाली है। इसके बाद यहाँ पर रिलेशन वगैरह दिखेगा। तो ये आप इस पर्ची को प्रिंट कर सकते हैं, जिससे आप राशन कार्ड अपना ले पाएंगे, और आसानी से ये पर्ची आपको प्रिंट करना, इतना एरिया जो दिख रहा है जिसमें आपको राशन कार्ड नंबर और अपने फैमिली मेंबर भी दिखने वाले हैं। तो अब ये आपका वैलिड राशन कार्ड होने वाला आने वाले समय में, जो सरकार ने चेंजमेंट करने के बाद किया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसका लाभ जरूर उठा रहे होंगे। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश किया करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में एक काम होने वाले या स्कीम्स आया करती हैं सरकार की, उनकी जानकारी मिलती रहती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल वाला बटन एक आता है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम आपको लगातार ऐसी स्कीम्स, ऐसी योजनाओं या ऐसे अपडेट के विषय में लगातार अपडेट देते रहें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक से जरूर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।